यदा यदा युद्धस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य आत्मानं स्थितम्यहम्। महाभारत के किरदारों के नजरिए से बनाएंगे, फिर चाहे वो द्रौपदी की कहानी हो या फिर कृष्ण की वाणी हो। वैसे किसी भी फिल्म में जब तक विलेन स्ट्रॉन्ग न हो, लोगों को इस फिल्म को देखने में मजा नहीं आता है। ये तो हर कोई जानता है कि महाभारत की कहानी में विलेन थे शकुनी। आपको बता दें कि शकुनी गांधार के राजा थे। गांधार आज की दुनिया में अफगानिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा शकुनी गांधारी के छोटे भाई थे और इसी नाते से वो कौरवों के मामा लगते थे और इसीलिए उन्हें आज भी शकुनी मामा के नाम से जाना जाता है। कहानी में शकुनी को विलेन इसलिए बताया गया है क्योंकि इन्हीं के कारण कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, क्योंकि अगर दुर्योधन के कान बढ़ते तो शायद आज महाभारत की युद्ध होती ही नहीं। वैसे आज भी लोगों की जुबान पर शकुनी का नाम आ ही जाता है जब वो किसी को समझाते हैं कि तुम्हें इस इंसान की तरह नहीं बनना है। वैसे अगर फिल्म को शकुनी के नजरिए से बनाया जाएगा तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई सिर्फ इसीलिए करवाई थी ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि फिल्म में शकुनी मामा का रोल निभाएगा कौन, तो आपको बता दें कि इस रोल में बॉलीवुड के बैडमैन कहे जाने वाले गुलशन ग्रोवर नजर आ सकते हैं। इनके नेगेटिव रोल्स के बारे में आखिर किसे नहीं पता, और इनका इस किरदार को निभाना मतलब फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी को बदलने की ताकत रखता हो। अब जब गुलशन ग्रोवर फिल्म में शकुनी मामा का रोल निभाएंगे तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो फिल्म में किस तरह से अपना रोल निभाते हैं और क्या सच में वो शकुनी को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, गुलशन ग्रोवर शकुनी के किरदार में कैसे दिखेंगे? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही कुछ और नई फिल्मों के अपडेट्स के बारे में जानने के लिए फॉलो करें बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।